कभी ये इच्छा नहीं हुई कि मैं अपने आप को सिर्फ शास्त्रीय संगीत या सिर्फ ध्रुपद तक ही सीमित रखूंगा, क्योंकि मैंने सुना जिस खूबसूरती से आप गजल गा रहे हैं उसी खूबसूरती से आप कव्वाली भी गा रहे हैं, उसी खूबसूरती से आप फिल्मी गाने भी गा रहे हैं, तो क्या मतलब चूंकि गायकी पक्की है इसलिए सब कुछ सारी चीजों के साथ न्याय हो जा रहा है? गुरु ने अच्छी तालीम दी है। अच्छा, अगर एक अच्छा गुरु होगा तो अपने शिष्य को हर पहलू से मजबूत करेगा, लय से भी, लाइट के भी सुर ऐसा लगवाएगा जैसे हमारे गुरु जी लगवाते हैं, गगर सारे नीरे सा नीसा दानी दसा नीसा दानी पदा पानी धा पदा मपा गमा पा गमा गरे सा, क्या बात, ये लाइट में प्रयोग होता है। तो हमारे गुरुजी ने ऐसी तैयारी करवाई है कि मैं क्लासिकल भी गाऊंगा तो क्लासिकल जैसा लगेगा, फिर क्लासिकल के अंग से गाऊंगा क्लासिकल, कवाली गाऊंगा तो कवाली के अंग से, और फिल्मी गाऊंगा तो रे रा रे रा ता रा रा रे रा ना ता ना रे रा 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 ता रा रे रा ना, तो फिल्मी अंदाज में उसको गाऊंगा। तो कोई एक गाना जो आप फिल्मी अंदाज में गाना चाहते हो अभी? सारा सारा दिन तेरे बिन हुन नहीं गुजरदा यारा, सारी सारी रात वी मावाद बंदा परवरदारा, मास्टर सलीम ने गाया है, ये फोक हो गया। और जब गजल की तरफ जाएं तब? गजल की तरफ जाएं, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। गजल में सांसों का बड़ा प्रयोग है, किस लफ्ज पे कितना सांस लेना है, मोहब्बत कैसे कहना है, लफ्ज कैसे कहना है, हकीकत कैसे कहनी है, उसका एक अंदाज़, मतलब भाषा की शुद्धता। हाँ, मैं उर्दू सीखने के लिए रोज टेम्पू से भाड़ा दे करके फैजाबाद तक आता था और यहाँ पर चाय पी के चला जाता था कि इसकी हवा लगे हमें, किसी से सीखता नहीं था, फैजाबाद तक मैं टेम्पू से आता था कि हवा लगे उर्दू की। तो सीखा आपने फिर? बिल्कुल सीखा। भानु प्रताप सिंह हैं हमारे उर्दू गुरु हैं, गाफिल गाजीपुरी हैं, दो लोगों से मैंने तालीम ली।